हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड इफेक्टिवली। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्कोर वेल इन योर आईएससी क्लास नाइन्थ एग्जामिनेशंस। कि आपके जब आईसीएससी की क्लास नाइन्थ एग्जामिनेशंस होंगे, चाहे वो फाइनल हो या फिर जैसा सुनने में आ रहा है कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स भी हो सकते हैं, कि मतलब आईसीएससी बोर्ड आपका क्लास नाइन्थ का फाइनल पेपर सेट करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग प्लस 95 अपने कंप्यूटर पेपर में कैसे ला पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूँगी, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खुद एक आईसीएससी स्टूडेंट रही हूँ और मैं एक आईएससी स्टूडेंट हूँ। तो डोंट वरी, मेरी टिप्स बिल्कुल आपकी रियल टाइम अप्लाई से ही होंगी। ऐसे नहीं कि मैंने आपको कुछ भी कह दिया और आप वो इम्प्लीमेंट ना कर पाए। तो मेक श्योर कि आप इन टिप्स को फॉलो करें, धीरे धीरे करें। अगर ये नहीं कि मतलब फर्स्ट डे कल से आप शुरू कर दें, कोशिश करें पहले 5%, फिर 10%, फिर धीरे धीरे मेक श्योर दैट यू गो फॉर द 110% की आप फॉलो करेंगे। और ये बहुत इजी टिप्स हैं बिल्कुल। तो लेट्स सी कि अगर आपको पहले क्वेश्चन ये आएगा कि हमें आखिर पढ़ना क्या क्या है, कि मतलब जो आपका काउंसिल है आईसीएससी का, वो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्या सिनेरियो बेस्ड होएगा उसका। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रोग्रामिंग जो पार्ट होएगा वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आपका प्रोग्रामिंग पार्ट अराउंड लेट्स से कि 30-40 मार्क्स का आएगा ही आएगा। जैसा मैंने अभी सैम्पल पेपर देखा था तो उसमें 40 मार्क्स की प्रोग्रामिंग आ चुकी है। तो मेक श्योर कि आपका प्रोग्रामिंग पार्ट बहुत सॉलिड होना चाहिए, कि मतलब एक्सेलेंट होना चाहिए। ये अगर ये आपका एक्सेलेंट रहेगा तो आपको अपने उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपका जो फाउंडेशन है नाइन्थ, अगर वो स्ट्रांग हो गया तो टेंथ में यू आर अनस्टॉपेबल। सो मेक श्योर कि आप नाइन्थ में अपना जो प्रोग्रामिंग पार्ट है उसे अच्छे से करें, क्योंकि आपका जो बोर्ड भी होएगा या फिर अभी आपका नाइन्थ का जो फाइनल एग्जामिनेशन होएगा थर्ड टर्म का, या मेक इट बोर्ड एग्जाम अगर आईसीएससी ने कंडक्ट करा, तो 50% जो आपका जितना भी पार्ट है वो प्रोग्रामिंग ही है, चाहे वो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस ही हैं। और उसके बाद आपकी जो थ्योरी है वो भी प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड है। तो आई कैन से कि आपका जो पूरा पेपर होगा वो 100% प्रोग्रामिंग के ऊपर ही है, आपके लॉजिक कॉन्सेप्ट पे। वह प्रोग्रामिंग पार्ट को तीन में डिवाइड कर दिया है, एक प्रोग्रामिंग एग्जैक्ट कोड लिखने के लिए, दूसरा आता है थ्योरी जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होगी, जैसे व्हाट इज अ क्लास इन जावा या फिर व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऐसे टाइप के, मतलब वो भी रिलेटेड प्रोग्रामिंग से ही है। और नेक्स्ट आपका आता है आउटपुट प्रिडिक्शन। आउटपुट प्रिडिक्शन आप तभी कर पाएंगे जब आपको प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो इनडायरेक्टली ये तीनों रिलेटेड चीज़ें प्रोग्रामिंग से ही हैं, कि अगर आपको एक अगर जावा में आपको अपनी प्रोग्रामिंग कंसॉलिड कर लेंगे तो आपको इन तीनों में कोई डिफीट नहीं कर सकता। तो आप कोशिश करें कि आप पहले तो अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद जो थ्योरी है, थ्योरी में आपको तीन चार चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, दैट इज़ इंटायर इंट्रोडक्शन टू क्लासेस वाला जो चैप्टर है ऑब्जेक्ट्स इन क्लासेस, उसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, वो आपका 110% बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, चाहे फिर वो क्लास नाइन्थ होए या क्लास टेंथ होए। उसके बाद फिर आपका बाकी आएगा कंस्ट्रक्टर एंड ऑल, वो सब आप अपना जो बुक में दिया हुआ है मेंशन, बाकी जो मेन चैप्टर्स हैं, मेन चैप्टर इंट्रोडक्शन टू क्लासेस है, उसके बाद जो आपकी बुक में है ऑलरेडी बुक्स में दिया हुआ है, जो कोटेड है ऑलरेडी, उसे करिए, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आउटपुट प्रिडिक्शन। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आउटपुट प्रिडिक्शन इज नथिंग, कोई इसमें ऐसा अलग सा टॉपिक नहीं है, इट्स जस्ट लाइक योर प्रोग्रामिंग। आपको एक कोड दे दिया जाएगा यहाँ पे और कहेगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो अगर आपका ये वाला पार्ट अगर स्ट्रांग होएगा तो ये तो आपका 110% स्ट्रांग हो जाएगा। कोशिश करें, बुक के पीछे काफी एग्जांपल्स दिए होते हैं कि आउटपुट प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट दिस आउटपुट, किस व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड। तो मेक श्योर कि आप बुक के पीछे के एग्जांपल्स कर लें, और आप एक अच्छी अगर सैम्पल बुक ले सकते हैं या ऑनलाइन आपको काफ़ी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। मैं भी आने वाले वीडियोस में इस वाले टॉपिक को कवर करूंगी कि आउटपुट प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। सो ये आपको तीन चीज़ें अपनी अच्छे से करनी है अगर आपको 95 प्लस चाहिए अपने नाइन्थ के एग्जामिनेशंस में। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बच्चे पूछते हैं कि आखिर हम लोग कहाँ से स्टडी करें। हमें ये तो पता चल गया कि हमको पढ़ना क्या है, पर अब बात आती है वेयर टू स्टडी फ्रॉम। और ये काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ चुके हैं, चाहे फिर मैं ये बात ऑनलाइन लोगों को बता चुकी हूँ या फिर ऑफलाइन जब मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग मुझसे मिलते हैं तो आखिर यही पूछते हैं, वेयर टू स्टडी फ्रॉम, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो आइए अब इसको डिस्कस करते हैं, वेयर टू स्टडी फ्रॉम। बुक्स प्रिस्क्राइब्ड, इसका मतलब ये जो आपकी स्कूल्स बुक्स हैं, जो आपको स्कूल में बुक दी गई है, आप उससे पढ़ सकते हैं, यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि स्कूल्स भी रन हो रहे हैं और स्कूल्स वाले भी अच्छा ही चाहते हैं आपका, इसलिए तो मेक श्योर स्कूल कभी आपको कोई गलत गाइड नहीं करेगा, जो स्कूल गाइड करेगा दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। सो जो आप अगर चाहें तो जो बुक्स आपको ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड हैं, बुक्स जो स्कूल से आप ले चुके हैं,
आप उनसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आप चाहें जैसे आपको अपना थर्ड टर्म बेस्ट देना है और अगर बाई चांस आईसीएससी ने कंडक्ट करा तो मेक श्योर कि आप सैम्पल पेपर्स ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनीज के सैम्पल पेपर्स आते हैं पब्लिशर्स के, मेक इट अलियांत हो सकता है या फिर आपका काफ़ी ऑसवल के आते हैं, मैंने काफ़ी देखे हैं मार्केट में। यू कैन गो फॉर एनी, यू कैन गो एनी, मैं ये नहीं कह रही कि इन्हीं के ही लेने हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। ओके नेक्स्ट पर ये कोशिश करेगा कि जो पब्लिशर है वो अच्छा है, कोई लोकल पब्लिशर का ना लीजिए क्योंकि लोकल पब्लिशर में ये होता है कि गलतियाँ हो सकती हैं क्योंकि एक वो उनके में ऑथेंसिटी नहीं होती, एक मतलब जैसे एक जेन्युइन आंसर्स का डाउट होता है। तो मेक श्योर कि अच्छे पब्लिशर्स का लिए। उसके बाद आप आईसीएससी की वेबसाइट्स पे जाके उनके खुद के जो उन लोगों ने सैम्पल पेपर्स डाले हुए हैं उन्हें सॉल्व करें क्योंकि वो तो मतलब एक तरह से बाइबल है सैम्पल पेपर्स उनके, क्योंकि आपको उधर से ही आइडिया मिलेगा कि आपको किस टाइप का पेपर मिलने वाला है, कैसा उसका सीक्वेंस या पैटर्न रहेगा। तो मेक श्योर ये तो आप जरूर सॉल्व करें कि आईसीएससी का सैम्पल पेपर 100% आपको सॉल्व करना चाहिए। ओके और प्रॉपरली सॉल्व करें, जहाँ पे नहीं आ रहा तो नेक्स्ट जब आपका पूरा पेपर आप सॉल्व कर लें तो उसके बाद फिर चेक करें कि आखिर कहाँ मेरे को नहीं आया और क्या गलती थी। और चाहे तो डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो। ओके फिर आता है एनी आउटसाइड हेल्प। एनी आउटसाइड हेल्प में आप चाहें तो जो भी, अगर आप कहीं ट्यूशन ले रहे हैं तो आप अपने ट्यूशन के नोट्स भी रख सकते हैं, यू कैन गो यूज देम ऑल्सो। आप चाहें तो जैसे मैं पढ़ाती हूँ ऑनलाइन, यू कैन यूज माई कोड सोर्स को जैसे मैं आपको लिख के देती हूँ, यू कैन गो फॉर दैट। और फिर आपको कोई भी अलग कोई वेबसाइट ऑनलाइन कोई भी आप होए, पर मेक श्योर वो जेन्युइन होए। ये नहीं कि आपको एक जैसे नॉर्मली कोई भी बना देता है, डोंट गो फॉर दैट, जेन्युइन लीजिएगा। ओके आप ट्यूशन के नोट्स मेंटेन करें। और लास्ट कि जब आपका एग्जाम होए तो एग्जाम से मेक श्योर 1 मंथ पहले आपका जो स्टडी मटेरियल है वो कंप्लीट होना चाहिए और वो भी 100%। ये नहीं कि मैं ये वाला जो नोट टॉपिक है मैं अपने फ्रेंड से ले लूँगा। मेक श्योर कि जो भी आपको करना है 1 मंथ से पहले आपको अपना जो मटेरियल है स्टडी मटेरियल इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। कि मतलब जो भी आपका सिलेबस आ रहा है, मान लीजिए 15 तक चैप्टर्स आ रहे हैं तो उन 15 चैप्टर्स को आप 100% कंप्लीट कर लीजिए। मतलब उनका जो मटेरियल है, जो भी आपके नोट्स क्वेश्चन आंसर्स एनीथिंग, उसे आप 100% पहले से ही 1 मंथ ला के रख लीजिए ताकि कोई लास्ट मिनट या लास्ट मोमेंट आपको कहीं से कोई भी ढूंढने की चीज़ ना पड़े जरूरत कि मेरे को ये वाला नोट मिस हो रहा है या ये वाला पॉइंट मेरे को ऑब्जेक्ट का जैसे ये क्लास का मेरे को डेफिनेशन नहीं आ रही। मेक श्योर कि पहले से आप ये सब कलेक्ट करके रखें और याद करना कोशिश करें कि याद ना कि अंडरस्टैंड द टॉपिक मीन्स मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड। मैं ये बार बार रिपीट करती हूँ, कोशिश करें कि आप समझे कॉन्सेप्ट को, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये नहीं कि जस्ट डोंट ग्रैब इट या लर्न इट, मग इट अप आप करेंगे अगर उसे मग करेंगे तो ये बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको 10th में भी कंप्यूटर के साथ सर्वाइव करना है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कोई नहीं भुला सकता कोई भी, फिर आप कुछ भी 10 चीज़ें भी याद कर लेंगे अपने ब्रेन में, पर जो आपको ये जो कॉन्सेप्ट याद रहेगा वो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो मेक श्योर आप कॉन्सेप्ट याद करें और चीज़ों को रटना कम करें तो कंप्यूटर में देन यू कैन गो फॉर 95, आई कैन से यू कैन गो फॉर 100 ऑल्सो, देन दिस इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। और दूसरा मेक श्योर कि हेल्प एवरीवन, अगर जैसे किसी को कोई प्रोग्राम नहीं आ रहा तो मेक श्योर आप उसे समझाएं क्योंकि जितना आप समझाएंगे तो उतना आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे अटक रहा हूँ समझाने में या फिर आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो इससे आपको भी आइडिया मिलेगा। तो मेक श्योर यू हेल्प अदर्स क्योंकि व्हेन यू विल हेल्प अदर्स देन यू विल नो दैट वेयर आर यू लैगिंग बिहाइंड। आपको अपना कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि मेरे को ये वाला पार्ट नहीं आता क्योंकि मैं समझा नहीं पाया, तो उससे आपको भी अपनी बेनिफिट हेल्प मिलेगी ही मिलेगी 100%। सो ये था आज का टॉपिक कि हाउ टू स्कोर +95 इन आईसीएससी क्लास 9th एग्जाम्स। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू द कोड इफेक्टिवली चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस। और फॉर एनी डाउट्स और क्वेरी प्लीज गो एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, आई विल डेफिनेटली गो एंड सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू।